हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन रचनास किचन। आज जो रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही यमीलिशियस रेसिपी है, जिसका नाम है भिंडी दो प्याज़ा। इसको हम बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे। आइए देखिए कैसे बनाएंगे भिंडी दो प्याज़ा। भिंडी दो प्याज़ा के लिए मैंने एक प्याज को बारीक काट के रख लिया था, दो हरी मिर्च ली है साथ में, और लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। एक प्याज और एक टमाटर मैंने काटा नहीं है, टमाटर मैंने लिया है थोड़ा सा टाइट, ज़्यादा लूज टमाटर नहीं लेंगे। और दो टमाटर की मैंने बनाई है प्यूरी, जो दरदरी है, बहुत ज़्यादा बारीक हमें नहीं पीसना है उसको। अब ये जो प्याज मैंने नहीं कट की थी, वो मैं आपके सामने कट करना चाह रही थी, इसलिए मैंने उसको कट नहीं किया था। देखिए, उसको हम एक प्याज को चार टुकड़ों में काट लेंगे, है ना, और एक एक उसकी वो निकालते जाएंगे, परत अलग करते जाएंगे इस तरह से। और इसी तरह हम टमाटर को भी कट करेंगे, एक टमाटर में से चार से छः पीसेस करेंगे, डिपेंड्स कि टमाटर कितना बड़ा है। और उसके जो बीज हैं वो हम निकाल देंगे, बीज निकाल के उसे फेंकेंगे नहीं, ये जो प्यूरी मैंने बनाई थी मैं उसमें ऐड कर दूंगी। एक कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने रखा है और भिंडी ऑलरेडी वॉश करके कट करके मैंने रखी थी। आप देख सकते हैं मैंने मीडियम साइज़ भिंडी कट की है, यानी एक भिंडी में से दो पीसेस किए हैं। तेल गरम होते ही हम भिंडी को इस तेल में तल लेंगे। हमें इसे डीप फ्राई नहीं करना है। दो बड़े चम्मच मैंने तेल लिया था और 250 ग्राम जितनी भिंडी ये है। 7-8 मिनट हो चुके हैं, भिंडी हमारी रेडी है। अब उसी कढ़ाई में मैंने एक चम्मच जितना तेल और ऐड किया है। अब इसमें मैं जो प्याज हमने कट की थी पहले वो तल लूँगी। बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा सॉटे करना है। कढ़ाई गर्म थी तो 1-2 मिनट में प्याज तैयार है। फिर मैंने वही कढ़ाई ले ली है और इसमें तेल ऐड कर दिया है, एक चम्मच बड़ा मैंने ऐड किया है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसमें मैं डालूंगी एक चम्मच जीरा। फिर ऐड किया है 1/4 टीस्पून मेथी दाना, एक बड़ी इलायची, दालचीनी, लाल मिर्च जो साबुत होती है वो, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से तड़कने देंगे। फिर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जो हमने बारीक काट के रखी थी प्याज, वो प्याज अच्छे से भुन गई है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। जैसे ही अदरक और लहसुन की रॉ स्मेल चली जाएगी, हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी जो हमने बना के रखी हुई थी। अब इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि टमाटर की रॉ स्मेल बिल्कुल चली नहीं जाती। टमाटर अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जितना हल्दी पाउडर, और मैंने ये डाली है देसी लाल मिर्च तीखेपन के लिए। और फिर इसमें ऐड करूँगी 2 चम्मच धनिया पाउडर, और नमक स्वाद अनुसार जाएगा। और मैंने ऐड कर दिया है 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर। बहुत अच्छे से इसको हमें भून लेना है जब तक कि मसाला तेल नहीं छोड़ने लगता। मसाले की बहुत बढ़िया खुशबू आने लगी है, पूरा घर महकने लगा है। इस टाइम पे मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच दही और इसे भी अच्छे से जल्दी जल्दी भून लेंगे। मसाला बहुत बढ़िया तरीके से भुन चुका है। अब मैंने जो भिंडी तल के रखी थी वो इस मसाले में ऐड कर दूँगी। भिंडी को अब हम ढक के थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हम इसे तल चुके हैं, इसलिए 7-8 मिनट हो चुके हैं। और मैं देख रही हूँ हमारी भिंडी भी डन हो गई है, अच्छे से गल गई है बढ़िया। अब इस टाइम पे जो प्याज मैंने तल के रखी थी और टमाटर काट के रखे थे वो सभी चीज़ें ऐड कर दूँगी, साथ में हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। और बहुत ही हल्के हल्के हाथों से उसे स्टर देंगे ताकि प्याज और टमाटर एकदम मैशअप ना हो जाए। अब मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच गरम मसाला, ये होममेड गरम मसाला है, इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। बस अब इसे हम 2-3 मिनट और दम देंगे, यानी कि कवर करके ढक के रखेंगे मीडियम आंच पे। 2-3 मिनट हो चुके हैं और हमारी भिंडी भी बिल्कुल तैयार है, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। रेस्टोरेंट स्टाइल भिंडी दो प्याज़ा रेडी है फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।